ये जो ट्रेन है ये ट्रेन लेके जाएगी मेरे को एयरपोर्ट। तो बिल्कुल साइलेंट है, अंदर बिल्कुल नॉइस नहीं है, बिल्कुल शांत है। 10-15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा अभी। फिर पहुंच के वहां पे मैं आपको एयरपोर्ट का दिखाऊंगा सारी चीज़ें। बकाटी विद मोजिटो। ज़ूरिक का एयरपोर्ट ज़ूरिक और एयरपोर्ट का मैंने आपको दिखाया। जैसे यहाँ पे इंडिया एयरपोर्ट की तरह नहीं है कि कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, अंदर ही लोग बैठ के बढ़िया तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह अंदर ही है सारा कुछ। तो सही है, वैसे सुंदर है एयरपोर्ट भी, अच्छा है, साफ सुथरा बढ़िया बना रखा है और सब बढ़िया है। बोर्डिंग हो गई, चेकिंग हो गई, सब कुछ हो गया और नेक्स्ट वेटिंग फॉर द फ्लाइट डिटेल एंड देन बोर्डिंग टू द फ्लाइट। स्विस एयरपोर्ट के अंदर अभी बोर्डिंग हो चुकी है। स्विट्ज़रलैंड का एयरपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया और प्लेन भी दिखा दिया। पीछे KLM खड़ी है, बहुत बढ़िया एयरलाइन है, कभी उसी में भी बैठना है। छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट ही है, छोटा सा है बट ठीक है, अच्छा है। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है यार, अंदर वाला जाते जाते जैसे दिल्ली के अंदर है ना, आगे आगे जाते जाते वैसे ही यहाँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है। तो अभी A नंबर है और 74 नंबर पे जाना है। 74 नंबर इज़ वेरी फार, तो अभी 51 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 22, 25 ऐसे है मेरा 74 है। वहाँ जाके वहाँ फ्लाइट खड़ी है एयर यूरोपा की, तो वहाँ आप जाना है, फिर वहाँ जाके बोर्डिंग हो जाएगी। और यहाँ मैंने देखा गाड़ियाँ बहुत लग्जरी हैं, i20 भी खड़ी है और i30 भी देखने को मिली है। तो BMW तो मेरे हिसाब से इतने मॉडल हैं क्या बताऊँ। और भी बहुत सारी एयरलाइन वो है, सबके बहुत सारे अभी मैड्रिड के एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ, क्योंकि स्पेन में पड़ता है। तो अभी आफ्टर देन इसके आगे फ्लाइट मेरी रेडी है और बस नेक्स्ट फ्लाइट की ओर जा रहा हूँ। गेट नंबर E2 है, तो देन फिर अपना दूसरी फ्लाइट पकड़ के अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊँगा। आप तब तक देख सकते हैं।
एयरपोर्ट स्पेनिश एयरपोर्ट। वन लीटर की है ये, वन लीटर की पड़ेगी 1200-1300 रुपये की, वही अपने हिसाब है एक 1000 रुपये की है ये, 1200-1300 रुपये की है। अभी जैसे स्पेन एयरपोर्ट पे पहुंचा मैं, भूख लग रही थी, मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ, तो ये ब्रेड सी मिली है जिसके अंदर बंद गोभी, जो मैंने इंडिया में कभी नहीं खाई थी, विच इज़ आई हेट बंद गोभी। यहाँ बंद गोभी टूट टूट के मिल रही है, वो बंद सा है उसके अंदर बंद गोभी लगा दिए, चीज़ है और टमाटर है और वो दे दिया, और एक जूस लिया। ये तो फिर भी थोड़ा सा सही है, सही है यार।